देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से इनके टच में था, कॉलेज टाइम से ही। मतलब देखते थे भाई, लड़ने वाला आदमी है, और आप सब लोगों ने भी इनका पैंथर के टाइम से ही संघर्ष भी देखा है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से लगातार हम लोग 2 साल से कंटिन्यू इनके संपर्क में भी थे, और जो कार्यशैली देखी इनकी और समाज के प्रति जो दर्द है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो RPI पार्टी है इनकी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई है ना। तो अब तो दुनिया भर के चेले आ गए उनके। तो अठावले साहब वाकई में ये अम्बेडकराइट पीपल हैं, और वो लड़ते हैं। मैंने महाराष्ट्र में भी जा कर के देखा, पुणे में, उत्तर प्रदेश, जो भी नॉर्थ इंडिया के जो हमारी जो पॉपुलेशन है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। जितने भी लोग आते हैं राजनीति में, बस अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है ना, एक माहौल बनाया जाए कि रियल में ये सारे लोग एक तो इकट्ठा हों और मिल करके इन जो ये मनुवादी ताकतें, इनसे लड़ें। तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इनका खुद का गठबंधन BJP से है। देखिए, गठबंधन तो मैंने और कांशीराम ने भी BJP से करा था, है ना। और मेरे साथ दिल्ली के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि हैं, जो अब रामदास अठावले के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए हैं। बधाई हो पहले तो। धन्यवाद शंभू भाई। कब तय किया कि अब रामदास अठावले जी के साथ जाना है? देखिए, मैं काफ़ी लंबे समय से इनके टच में था, कॉलेज टाइम से ही। मतलब देखते थे भाई, लड़ने वाला आदमी है, और आप सब लोगों ने भी इनका पैंथर के टाइम से ही संघर्ष भी देखा है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से लगातार हम लोग 2 साल से कंटिन्यू इनके संपर्क में भी थे, और जो कार्यशैली देखी इनकी और समाज के प्रति जो दर्द है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो RPI पार्टी है इनकी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई है ना। तो अब तो दुनिया भर के चेले आ गए उनके। तो अठावले साहब वाकई में ये अम्बेडकराइट पीपल हैं, और वो लड़ते हैं। मैंने महाराष्ट्र में भी जा कर के देखा, पुणे में भी जा कर देखा। अभी शिरडी में इनका एक समागम हुआ था, कार्यकारिणी की बैठक रैली थी, कई लाख लोग थे उसमें। अब दुर्भावना ये है कि लोग दिखाते नहीं है। तो शंभू भाई, आप जैसे लोग हैं जो दिखाते हैं। तो हरियाणा में आप काम करेंगे या पूरे देश में काम करेंगे, क्योंकि आपको तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएंगे? देखिए, हमें तो जो भी जिम्मेदारी देंगे, हमारा तो जो इरादा है वो नॉर्थ इंडिया को कवर करने का है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो भी नॉर्थ इंडिया के जो हमारी जो पॉपुलेशन है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। जितने भी लोग आते हैं राजनीति में, बस अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो है ना, एक माहौल बनाया जाए कि रियल में ये सारे लोग एक तो इकट्ठा हों और मिल करके इन जो ये मनुवादी ताकतें, इनसे लड़ें। तो लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इनका खुद का गठबंधन BJP से है। देखिए, गठबंधन तो मैंने और कांशीराम ने भी BJP से करा था, है ना। और ये तो गठबंधन तो चलते रहते, राजनीति में तो गठबंधन भी होंगे, है ना। तो ये तो एक हिस्सा है राजनीति का, और मूवमेंट अलग चीज़ है। तो आप मूवमेंट के प्रति चलाते रहे? देखिए, हम तो मूवमेंट के प्रति हमेशा, पहले भी आपने देखा शंभू भाई, हमें लोग जानते ही मूवमेंट की वजह से हैं, है ना। तो हम तो मूवमेंट हमारे लिए सबसे पहले, राजनीति बाद में। तो किन किन राज्यों में आपकी प्राथमिकता है? देखिए, हम लोग तो अभी हरियाणा में हमने अध्यक्ष बनाया, सोनू, एडवोकेट सोनू जी हैं, उनको बना रखा है, और वो पूरे हरियाणा में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब दिल्ली में हमारा मेन फोकस दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा बेरुपिया बैठा है जिसने कहा कि झाड़ू का निशान लेकर गया, अब उसको पता चलेगा कि असली झाड़ू वाले और नकली झाड़ू वाले में फ़र्क क्या है। तो अभी इस लाला जी को तो रहने नहीं देंगे हम लोग। अगले विधानसभा चुनाव में लाला जी की सत्ता ख़त्म और बहुजनों की सत्ता शुरू होगी दिल्ली से। तो ये हैं संदीप, और जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं दिल्ली के, और अब इन्होंने रामदास अठावले की जो पार्टी है उनको ज्वाइन किया और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।